सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मंगलवार को भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि भारत का निशाना ना तो सिविलियन थे और ना ही पाकिस्तानी सेना। भारत की ओर से की गई कार्यवाही केवल आतंकियों को निशाना बनाने के लिए की गई है। भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने अपने बयान में ये भी बताया कि हमला सफल रहा और इसमें आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर उस्ताद गौरी, कुछ ट्रेनर और आतंकवादी हमलों का परीक्षण ले रहे आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से मारे गए लोगों की संख्या का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। भारत की ओर से जारी बयान बहुत सधा हुआ और कूटनीतिक है। भारत के बयान के कुछ निहितार्थ इस प्रकार हैं। भारत ने अपने बयान में सीधे तौर पर कहा है कि ये हमला पाकिस्तान पर, उसकी आवाम पर या फिर सेना पर हरगिज नहीं था, केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया गया है। यानी भारत युद्ध का ना तो अपनी ओर से संकेत दे रहा है और ना ही पाकिस्तान को युद्ध में जाने के लिए किसी तरह की वजह दे रहा है। विदेश सचिव को सामने लाकर भारत ने इसे सेना बनाम सेना होने से रोका। साथ ही विश्व समुदाय को संदेश देने के लिए विदेश मंत्रालय को सामने लाया गया है। भारत ने इसे आतंकियों पर हमला बताया। इससे भारत विश्व समुदाय को ये संदेश दे पाया है कि भारत की ये कार्यवाही युद्ध नहीं, आतंकवाद के खिलाफ भारत के एहतियाती प्रयास हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।